सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द पोकेमोन फायर है, जहाँ पर दोस्तों पिछली बार हमने हासिल किया था अपने रीजन का सेकंड जिम मैच। एंड गाइस यार, यहाँ पर मैंने पहले भी कहा था कि नरजॉय ने हमें अलाउ किया था उनके घर में रहने के लिए। तो गाइस यार, यहाँ पर मैं उनके घर में यहाँ पर एक रात भी जो है गुजार चुका हूँ। तो चलिए गाइस यार, नरजॉय तो यहाँ पर काम पे जा चुकी है, जो कि है अपना उनका पोकेमोन सेंटर। एंड गाइस यार, यहाँ पर आप देख सकते हो अपने दो जिम बैच जो है वो यहाँ पर अपनी बैजेस के सेक्शन में जो है वो ऐड हो चुके हैं। नीचे मैं अपने लेआउट में ऐड क्यों नहीं कर सकता गाइस यार, क्योंकि मुझे पता नहीं है इस गेम में कौन से इस लीग में दोस्तों कौन से जिम बैच हमें मिलने वाले हैं, क्योंकि उन यहाँ पर सब्सक्राइब किया नहीं था, इसलिए मैंने ऐड भी नहीं किया। एंड गाइस यहाँ पर ओके, तो हमारा एक भी जो है वो आज के लगता है मुझे एपिसोड में ऐड जो है वो हो जाएगा। तो चलिए गाइस यहाँ पर नरजॉय को मैं बाय बोल देता हूँ, थैंक यू भी सो मच बोल देता हूँ हमारे साथ यहाँ पर एक रात यहाँ पर स्टे करने के लिए। तो थैंक यू सो मच नरजॉय, यहाँ पर उन्होंने हमारे लिए एक रात का दोस्तों इंतजार किया एक घर के लिए। तो चलो गाइस यहाँ पर अभी हम सीधा चलते हैं दिल्ली को छोड़ने के लिए। तो गाइज यार, यहाँ पर हम यहाँ पर दिल्ली को छोड़ने जाने वाले हैं। यस, बट बिफोर दैट गाइज यार, यहाँ पर ना मैं सबसे पहले चले जाता हूँ फिर से एक अपना स्टॉक देखने के लिए, अगर कोई स्टॉक आया है क्या सुपर रेपल या मैक्स रेपल का। बट मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे भी हैं नहीं, बट गाइज यार ओके, तो यहाँ पर हमें टोटल मेरे पास 8 रेपल्स पड़े हैं। और सुपर पोशन पे ले लेता हूँ गाइज, क्योंकि आगे चलकर कोई दिक्कत ना आए, 5 सुपर पोशन इज इनफ फॉर मी। तो चलिए गाइस यार, यहाँ पर अभी चलते हैं सीधा बाहर की तरफ। रिपेल्स का इस्तेमाल नहीं करने वाला, क्योंकि गाइस यार मुझे लगता नहीं है ज़्यादा टाइम लगेगा हमें आगे की सिटी को जो है यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए। पता नहीं गाइस यार यहाँ पर हम कौन से सिटी में आएंगे, तो एक बार नीचे चलकर देख लेता हूँ। ओके, सो वी आर इन दी रूट 4। तो चलिए गाइस यार, उन आंटी ने गाइस यार कल हमें 350 रुपये दिए थे। तो चलिए गाइस यार, यहाँ पर अपना आज का पहला बैटल समाप्त करके मैं आपसे फिर से मिलता हूँ। तो चलिए गाइस यार, यहाँ पर अपना फर्स्ट बैटल जो है वो आज का कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए गाइस यार, यहाँ से एक बार नीचे चलकर देख लेता हूँ। ओके, तो मैं वैसा बैटल करके जाने वाला हूँ, इसलिए गाइस यार यहाँ पर मैं, क्योंकि गाइस यार मुझे बहुत सारी एचपी की जरूरत है, एचपी की सॉरी गाइस यार एक्सपीरियंस की जरूरत है अपनी पोकेमोन्स को आगे बढ़ाने के लिए। तो चलो यहाँ पर बैटल खत्म करके मैं आपको फिर से मिलता हूँ। तो चलिए गाइस यार, यहाँ पर अपना सेकंड बैटल कंप्लीट हो चुका है। एंड गेस व्हाट, यहाँ पर हमारा दोस्तों राजू जो है यहाँ पर इवॉल्व हो रहा है। तो दी गाइस यार देख लेते हैं, मुझे पता है इसका नाम जो है वो जाने वाला है, बट गाइस यार हम अपने लेआउट के सेक्शन में रखेंगे। ओके, इसका इवोल्यूशन है आरटी जेप्स। ओके, तो कुछ अलग सा ही नाम सा बिगड़ कर रहे हैं। तो चलिए गाइस यार, यहाँ पर अपना ओके, तो इसका नाम भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। पता नहीं यार ऐसा क्यों होता है, मैं थोड़ा सा गलत चीज़ है, बट कोई बात नहीं यार, इस गेम के दोस्तों हर चीज़ हमें पसंद है, क्योंकि गाइस यार दिस इज द गेम बेस्ड ऑन द इंडिया। तो इसलिए अगर कोई भी यहाँ पर थोड़ी सी कमी तो होगी ना, क्योंकि गाइस यार यहाँ पर हर गेम कोई भी परफेक्ट होता नहीं है। तो शायद वो भूल गए रहेंगे कि यहाँ पर जो भी ट्रेनर यहाँ पर अपना पोकेमॉन्स को निकनेम देगा, तो वो निकनेम जो है इवॉल्व के बाद भी रहेंगे। तो मुझे लगता है कि वो ये बात भूल गए होंगे कि है, बट कोई बात नहीं यार गाइस, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम अपने ही इसमें चला लेंगे। तो चलिए गाइस यार, यहाँ पर अभी हम चलते हैं सीधा यहाँ पर अपना बैटल भी जो है। एंड गाइस मैंने पहले भी कहा था, इस गेम में ना मुझे मियोथ जो है वो इस पता नहीं यार फैनमेड मियोथ है या अलोलन मियोथ है, बट गाइस यार अलोलन मियोथ ऐसे ऐसे होते नहीं है मुझे मेरी मानो तो। बट गाइस यार यहाँ के जो मियोथ है ना काफ़ी ज़्यादा दोस्तों स्ट्रांग है, क्योंकि गाइस यार वो एक ड्रैगन टाइप है, एंड ड्रैगन टाइप को हराना इट्स नॉट दैट सिंपल। तो चलिए गाइस यार, यहाँ पर अपना भोलू भोलू भी काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर काम कर रहे हैं। भोलू तब तक आया नहीं है, बट गाइस यार ढोलू अपना अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलिए गाइस यार, यहाँ पर पता नहीं अपने एग में गाइस यार आज कौन सा पोकेमॉन हैच होगा वो मुझे पता नहीं है, तो देख लेंगे गाइस। ओके, सीधा नीचे से जाना है हमें, रूट 4 फार्म लैंड से, दिल्ली से आए थे हम, और जाना है संचिदा में। ओके, संचिदा संचा दिया, ओके स्तूपा ऑफ संचा दिया। तो चलिए गाइस यार, यहाँ पर हमें रेडी हूँ जाने के लिए नीचे। ओके, सिद्धार्थ टनल एंड देन दी बेउपलिंग।
ओके तो चलिए कोई बात नहीं गाइस यार, यहाँ पर अभी हम सीधा चलते हैं नीचे की तरफ। ओके गाइस यार, यहाँ पर मुझे लगता है कि एक और बैटल हमारा इंतजार कर रहा है। तो ओके तो बैटल करना चाहते हैं? नहीं, तो ये भी शायद हमारे साथ बैटल नहीं करना चाहते। तो चलिए गाइस यार, यहाँ से अभी सीधा चलते हैं नीचे, फार्म लैंड से नीचे हम आ चुके हैं। ओके तो यहाँ पर ओके बॉल है, एक बार मैं पोकेमॉन्स भी देख लेता हूँ गाइस। ओके द स्क्वायर बेल, नो आई डोंट वांट वो भी लेवल 2 का, तो ऑब्वियसली नॉट। अगर कोई अच्छा पोकेमॉन होता तो मैं ले लेता था, अच्छा लेवल का होता तो। तो चलिए गाइस यार, यहाँ पर मैं रेपल का इस्तेमाल कर लेता हूँ, क्योंकि गाइस यार ऑलरेडी हमारे पास और 3 पोकेमॉन हो चुके हैं एंड एक को मिलाकर 4 हो गए। एंड हियर वी आर गाइस यार इन दी सांचीडा द सिटी ऑफ अस्टुपाज। ओके गाइस, ओके यहाँ पर ट्रीना आ चुकी है। तू सो डिड यू गॉट द पोल्यूशन बैच बिकॉज़ आई वांट टू इट रियली वेरी इजीली व्हेन यू हैड सो दी डिफिटेड कैरोलिन व्हाट यू आल्सो गॉट इट एनीवेज कांग्रेट्स हे ध्रुव सो वी बोथ हैव टू बैचेस ओके तो क्या करना चाहती है? नाउ दैट व्हाट अबाउट अ बैटल लेट्स सी हु इज अ बेटर ट्रेनर टिल नाउ। ओके गाइस यार, हियर वी गो थ्रू द गेम वर्सेस द ट्रीना। ओके गाइस यार, यहाँ पर चलो ट्रीना के पास दोस्तों रॉकरॉफ मुझे पता था, बट गाइस यार इस बार उसका रॉकरॉफ हमें डाउन आसानी से हम इसके रॉकरॉफ को जो है यहाँ पर डाउन कर सकते हैं, क्योंकि गाइस यार आपको पता ही है कि हमारे पास अभी फिश प्लांट आ चुका है, हमारा भीम यहाँ पर शक्ति दिखाएगा एंड उसके रॉकरॉफ को जो है यहाँ पर इसने डाउन कर लिया है। तो चलिए गाइस यार, यहाँ पर अपना भीम भी जा चुका है लेवल 24। ओके सकर पंच बाइंड को भूल जाते हैं, चलिए यहाँ पर बाइंड को भूल लेते हैं हम। ओके तो नेक्स्ट कौन है? टिटी फ्लाई। ओके गाइस यार, इसके पास टिटी फ्लाई भी है। अच्छा पोकेमॉन चुना है इसके लिए गाइस यार, हम अपने अपने यहाँ पर राजू को बुला लेते हैं, हर के ड्रिंक्स आप बोल सकते हो इसे, बट हम इसे तो राजू ही कहेंगे। तो चलिए यहाँ पर गस्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। एंड गाइस यार, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि यहाँ पर नेम रेडर कहाँ मिलता है। एंड गाइस यार, यहाँ पर हम यहाँ से दोस्तों अपने फिर से यहाँ पर अपने यहाँ पर आर्टिडिक्स एंड अदर पोकेमोन्स का दोस्तों फिर से निकलने में कैसे दे, मैं चाहता तो ना दे पर मैं चाहता हूँ कि दो पर गाइस यार ये हर बार होते रहेगा, इसलिए मैं सोचूंगा गाइस यार ना ही दूँ। तो चलिए गाइस यार, यहाँ पर आपको लेआउट में तो देख ही रहे हैं, हम कह तो रहे हैं तो गेम में ना हो तो कोई से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो चलिए गाइस यार, यहाँ पर ढोलू आ चुका है, वी विल यूज दी बाइट ओवर हियर, बट नहीं यार ये ढोलू ना गाइस यार, मुझे थोड़ा सा दोस्तों अच्छा पोकेमोन भी है, देखो यार इतनी जल्दी उठ भी गया, बट मुझे ढोली की दोस्तों एक ही दोस्तों खराब बात क्या लग रही है पता है, कि ये बैटल दोस्तों ना ये ऐसे मोमेंट में आएगा एंड ये देखो खत्म कर दिया, ये बैटल कभी खत्म कर ही नहीं पाता है, उसको यहाँ पर एंड तक बैटल लेकर आता है बट गाइस वो खत्म नहीं कर पाता, इसलिए उससे मुझे थोड़ा सा ढोलू के ऊपर ना थोड़ा सा मैं बेनिफिट ऑफ डाउट कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस यार मुझे लगता है कि आगे चलकर हम ढोलू को जो है वो पीसी में डिपॉजिट कर सकते हैं अगर मेरे पास अच्छे पोकेमॉन आए तो। It's not fair. Every game has a win or lose though. Anyways, Drew, did you remember what we are gonna do next? Yes, our next step is Mr. Mythos' house or Fruit Pie. But the problem is Mr. Mythos' house is beyond the dark Sidhar tunnel on Route 5. I heard that tunnel is very dark and full of wild Pokemon. It's easy to get out of here. Okay, तो इसने कहा कि गाइस यार काफी दोस्तों यहाँ पर काफी गाइस यार थोड़ी सी यहाँ पर डरावनी सी एंड डार्क प्लेस है सिद्धार्थ टनल, एंड गाइस यार उसने लिए हमें उसने यहाँ पर पहचान नंबर 4 ट्रेन दे दिया है। ओके तो बाय ट्रीना, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग इट। तो चलो गाइस यार, यहाँ पर हम आ चुके हैं फाइनली आप बोल सकते हो, क्योंकि आते ही हमने यहाँ पर ट्रीना ने हमारा स्वागत किया था। तो चलिए गाइस यार, यहाँ पर द सिटी ऑफ स्टूपर्स हमने पहले भी देख लिया है, तो चलिए गाइस यार। ओके तो ट्रीना क्या कर रही है यहाँ पर? ओके हो तो शायद ये कोई तो बग होगा, क्योंकि गाइस यार ये ओके यस दिस इज द बग। तो चलिए गाइस यार, यहाँ पर अभी हम चलते हैं। ओके द ग्रेट स्टुपा ऑफ संचिदा, गाइस यार यहाँ पर थंबनेल ले लिया हमने, बट गाइस यार चलो यहाँ से चलते हैं, काफी दोस्तों अच्छी सिटी है दोस्तों ये। ओके एंड लुक गाइस, हमारा एक जो है गाइस यार फाइनली फाइनली दोस्तों आज हमारा एक, मैंने पहले भी कहा था हमारा आज एक में हैच हो जाएगा एंड हियर इट इज। ओके गाइस यार, यहाँ पर इसमें से पोनीटा निकल गई है। ओके इसका नाम देंगे हम ढोलू, तो आ गया हम इसका नाम ढोलू रख देते हैं, मुझे पता है गाइस आगे चलकर जो है वो नेम जो है वो इरेज होने वाला है, बट कोई बात नहीं यार, यहाँ पर हम अपने बैजेस के सेक्शन बैजेस के सॉरी बोल रहा हूँ अपने लेआउट के सेक्शन में आप देख ही सकते हो ढोलू भी आ गया रहेगा, हम हटाएंगे नहीं उसमें से, जो भी अपना नेक्स्ट पोकेमॉन पकड़ेंगे ना उनका हम निकनेम तो नहीं देंगे अभी आगे से, बट गाइस यार हम अपने लेआउट में निकनेम जरूर देंगे। तो चलिए गाइस यार, यहाँ से और होने हम उनके निकनेम से भी बुलाएंगे। तो चलिए गाइस यार, यहाँ पर अभी हम चलते हैं। ओके ओके तो ट्रीना आ चुकी है यहाँ पर। क्या हुआ ट्रीना?
True. Come quick with me. I saw some men wearing a dress with the same symbol on the card that the team were left in the Taj Mahal. Come quick. They are having a rally at the end of there. Let's go to town. Okay, तो यहाँ पर टीम वॉर की रैली चल रही है क्या? ये तो पॉलिटिक्स है क्या ये लोग? कहाँ पर भी रैली लगा दिया ये लोगों ने? We promise to bring back the legendary Arotir and Dahabond. Bring back the eternal flesh to the world to protect the region from being ruined and place peace to your return join to be with us. Help us making our ultimate weapon and capture the legendaries. We will be greatly benefited. We will not only get the peace returned. But also use their powers. Yeah, it is beneficial, huh? So we end our rally here. Remember, we are here to good. Support us. ये लोग के दोस्तों इरादे ना मुझे अभी भी ठीक नहीं लग रहे हैं. But ये लोग कह रहे हैं कि Do you hear what they said just now? They want to develop a weapon, find and capture the legendaries and use their power to make Pokemon's lives. This can't happen. We can't let them do this. We need to safely find the legendaries. And return the peace of world yes. Instead of letting them ruin it. Let's make it promise that we will have to do it. Bye-bye, bro. I really need to hurry now. I have to tell Renuka and give her the HM. Okay, bye, Trina. Guys, यार ये कह रहे कि ये अच्छे काम के लिए करेंगे. But guys, यार जब से मैंने टीम गैलेक्टिक को देखा है ना, मेरे दिमाग में अभी ये टीम हर टीम ना दोस्तों छप गई है. कोई भी टीम guys, यार अच्छी होती नहीं है. क्योंकि इरादे गाइस यार इनके कभी भी नेक होते ही नहीं है. क्योंकि गाइस यार ये लोग तो यहाँ पर हर वक्त कहेंगे कि हम ऐसा करेंगे ऐसा वैसा करेंगे. एंड गाइस यार आपको तो पता ही है पॉलिटिक्स में भी क्या होता है. तो हम वो सब बातें छोड़ ही देते हैं. तो इसलिए गाइस यार मुझे इनके बराबर टीम के वो भी भरोसा नहीं है. हम गेम की बात करते हैं ना कि अभी कोई रियल वर्ल्ड के बारे में. तो इसलिए गाइस यार यहाँ पर मैं कोई भी यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू रखने नहीं वाला हूँ. बस गाइस यार यहाँ पर हम अपना ड्रिल रन करते जाएंगे. अगर टीम वॉर ने हमारे साथ पंगे लिए तो हम भी उन्हें छोड़ेंगे नहीं. तो चलिए गाइस यार यहाँ से अभी हम चलते हैं. स्टॉक जो है वो अब तक आया नहीं है. बट हमें यहाँ पर वो जो सिद्धार्थ टनल के लिए उसने कहा था कि यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर डार्क एरिया है. एंड गाइस यार मुझे भी लगता है कि वहाँ पर मैं फंस जाऊँगा. तो इसलिए गाइस यार यहाँ पर मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक्सप्लोर कर लूँगा गाइस. एंड देन गाइस यार हम सिद्धार्थ टनल के लिए निकल जाएंगे. तो चलिए गाइस यार यहाँ पर मुझे लगता है कि सिद्धार्थ टनल के लिए जाने का वक्त जो है वो आ चुका है अभी. तो चलिए यहाँ से अभी हम चलते हैं सीधा नीचे की तरफ. ओके तो यहाँ पर एक बार ना मैं गाइस यार पोकेमोन देख लेता हूँ. तो चलिए रहने देते हैं यार. ओ तो जैसा कि यहाँ पर ट्रीना ने कहा था कि सिद्धार्थ टनल इज द वेरी ह्यूज एंड अ डार्क प्लेस. ओके तो मुझे डार्क की याद आ गई. ओके तो एक बार हम सबसे पहले तो गाइस यार यहाँ पर मैं कौन सा भी पोकेमोन पकड़ लेने वाला हूँ फॉर दैट नोट. तो चलिए गाइस यार यहाँ पर अभी हम सबसे पहले तो सुपर रेपल एंड सुपर रेपल तो नहीं है बट हमारे पास रेपल है वो एक्टिवेट कर लेते हैं. 20 लेकर आया हूँ मैं. यहाँ से गाइस यार मुझे जिम के बारे में एडवांटेज है कि कैसे हमने जिम चेंज किया था. इसलिए मुझे थोड़ा सा एडवांटेज है गाइस यार कैसे केव्स को एक्सप्लोर करना. तो चलिए गाइस यार यहाँ पर एक ऊपर की तरफ सीढ़ी जा रही है. तो वहाँ से ही चलते हैं दोस्तों ऊपर की तरफ. कोई रास्ता है क्या? नहीं नहीं. तो यहाँ से ही चलते हैं गाइस यार. एंड यस वी आर इन द सिद्धार्थ टनल सेकेंड फ्लोर. तो पता नहीं यार सेकेंड फ्लोर आया तो नहीं बट मैंने जिम कर लिया कि सेकेंड फ्लोर है. एंड गाइस यार यहाँ पर ना मैं स्ट्रेंथ भी देखे रख देता हूँ. किसको दे गाइस यार? भूलू को ही दे देते हैं क्योंकि गाइस यार यहाँ पर लेवल 1 का ही है. एंड गाइस यार आगे चलकर हम इसे ट्रेनअप भी करेंगे क्योंकि गाइस यार यहाँ पर हम भोलू को जो है वो रखने वाले हैं. यस एज अ फायर स्टार्टर एंड एज दी एज अ फायर वो पोकेमोन यू विल कीप दी भोलू ओवर हियर. तो चले गाइस यार यहाँ पर मुझे लगता है फिर से नीचे आ गया. तो चलो यहाँ से अभी चले जाना है. हमें राइट साइड तो नहीं है. ओके तो इसके रॉक स्मैश का इस्तेमाल करना होगा यहाँ पर हमें. तो चलिए यहाँ पर हमें रेपल का इस्तेमाल भी कर लिया. फिर से मुझे रेपल यार खत्म नहीं करने हैं क्योंकि गाइस यार यहाँ पर मुझे जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी दोस्तों इस केव को जो है यहाँ पर एक्सप्लोर करना है. ओके वी ऑब्टेंड ए टीएम 19 रूस्ट. क्योंकि गाइस यार इस गेम में मैंने डेवलपर के साथ बात की ना तभी मुझे पता चला कि यहाँ पर इस गेम में दोस्तों फ्लैश टीएम है ही नहीं. यस फ्लैश टीएम का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते इसलिए गाइस यार. ओके तो ये ऐसे पोकेमोन दोस्तों हमारे साथ आते रहेंगे. तो गाइस यार ये इस गेम में दोस्तों आपको बता दूँ कि आप अगर कमेंट भी करोगे तो मैं आपको बता दूँ डायरेक्टली कि आज यहाँ पर हम इस गेम में दोस्तों फ्लैश का इस्तेमाल नहीं कर सकते. ये पता नहीं गाइस यार क्यों नहीं कर सकते. शायद उन्होंने ही एक चैलेंज रखा होगा हमारे लिए. तो चलिए गाइस यार यहाँ पर बैटल खत्म कर मैं आपसे फिर से मिलता हूँ. Thank you.
तो चले गए थे यहाँ पर, हमने बैटल भी खत्म कर लिया एंड गाइस यहाँ पर अपना दोस्तों यहाँ पर बोलू जो है वो काफी ज्यादा दोस्तों एक्सपीरियंस कर रहा है एंड दैट्स इट गाइस। यार आज की वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको जरूर पसंद आया हो, और गाइस पसंद आए तो लाइक का बटन दबा देना, अगर आप चैनल में भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड